नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में बिजली की खपत कम करने के लिए सबसे पहले LED बल्ब, उसके बाद LED ट्यूबलाइट और पंखे लेकर आई थी। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से बिजली बचाने के लिए LED बल्ब अपनाने की अपील की थी। अपील के साथ साथ सरकार ने बाजार के मुकाबले बेहद कम कीमत में LED बल्ब मुहैया भी कराए थे। सरकार की बिजली बचाने की अपील जनता को भी काफी भाई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने उजाला कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित भी किए थे। ये आंकड़े मई 2008 से पहले के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2015 में उजाला योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद EESL के मुताबिक देश में 30 करोड़ LED बल्ब के वितरण से सालाना 3,895.2 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा की बचत हुई। दरअसल भारत ने 2005 से 2030 के बीच कार्बन उत्सर्जन में 33-35% कटौती की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे में ऊर्जा दक्षता की एक और प्रमुख रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अब मोदी सरकार आम आदमी के लिए सस्ते में एयर कंडीशनर लेकर आई है, जिसकी बिक्री शुरू हो गई है। दरअसल मोदी सरकार बिजली बचाने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में सरकार का पूरा फोकस बिजली की खपत में कटौती और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाना है। सरकार देश की जनता को सस्ते दाम पर जो AC उपलब्ध करा रही है, उसका काम LED बेचने वाले EESL को सौंपा गया है। अब आपको बताते हैं सरकार जो AC बेच रही है उसकी खासियत क्या है। EESL के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कुमार का कहना है कि इस AC की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके इस्तेमाल से बिजली की खपत कम होगी। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बाजार में मौजूदा समय में 5-स्टार AC के मुकाबले EESL द्वारा बेचे जा रहे वोल्टास कंपनी के AC के इस्तेमाल से 20-30% बिजली बचाई जा सकती है। ये AC 5-स्टार रेटिंग के AC की तुलना में 300 यूनिट बिजली की बचत करेगा। तो वहीं EESL का दावा है कि बाजार में मौजूद 3-स्टार AC के मुकाबले भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे AC की कीमत कम है। वहीं 5-स्टार लेवल वाले इस AC से करीब 30% किफायती होने का दावा भी किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे EESL की वेबसाइट पर AC की कीमत 41,300 रुपए है। अभी बुक कराने पर HDFC कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। वहीं अगर AC की खासियत के बारे में बात की जाए तो ये 1.5 टन वजन वाले स्प्लिट इन्वर्टर 5.4 एयर कंडीशनर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि देश में अगर ये ऐसा अकेला स्प्लिट AC है जो 5.4 स्टार की रेटिंग के साथ आ रहा है। ये AC वोल्टास कंपनी द्वारा EESL को दिया गया है। दिल्ली में ऑनलाइन के अलावा बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम के माध्यम से भी लोग इसी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। गौर करने वाली बात यह है कि LED बल्ब को लेकर जनता ने जिस तरह से दिलचस्पी दिखाई, सरकार को भी उम्मीद है कि AC को लेकर भी उसी तरह का रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि CFL के मुकाबले LED बल्ब में आधी बिजली की खपत होती है। 15 वाट का CFL 66 घंटे में 1 यूनिट बिजली लेता है, जबकि 9 वाट का LED 111 घंटे में महज 1 यूनिट बिजली लेता है, जबकि रोशनी CFL के मुकाबले LED बल्ब में दुगनी होती है। ऐसे में दर्शक BJP द्वारा दिए जा रहे सस्ते AC के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।